सामने मानगढ़ पहाड़ दिख रहा है आपको, शहीद वीर स्मारक दिख रहा है यहाँ से। तो अंग्रेजों के साथ हमारे आदिवासी लड़े थे। 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने मार दिया, उनको वो शहीद हो गए, उनके यादों बनाया। और ये आज यहाँ पे 19वां आदिवासी एकता परिषद का महासम्मेलन, सांस्कृतिक महासम्मेलन होने जा रहा है। अन्याय अत्याचार के विरोध में हमारे पूर्वजों ने लड़े है, उसका आदर्श हमें लेना है, इसलिए हम ये आज यहाँ पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। राजस्थान के कार्यकर्ता गणों ने ये यहाँ पे जो आज का सम्मेलन रखा है, इसके लिए हम सभी बाकी राज्य के लोग इसके उसको धन्यवाद देते हैं। यहाँ से हम वीर शहीदों का उनका कार्य का उनकी प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ने के लिए, नव युवकों को चेतना जगाने के लिए आगे जाने के हम यहाँ से रास्ता निकल रहे हैं। जी भाई, आप राजस्थान से हैं, आपने 19वां अखिल भारतीय आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का आयोजन किया और मानगढ़ की इस ऐतिहासिक जगह पे आपने वो सम्मेलन संपन्न किया, तो मानगढ़ के इस इतिहास के बारे में आप जानकारी दें। मानगढ़ ये 1913 में इस जगह पे करीब 2 लाख आदिवासी आज़ादी की लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए थे, और उस दौरान रियासतों ने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सतरामपुर के राजाओं ने सेंट्रल कमेटी को लेटर लिख के ये अवगत कराया था कि आदिवासी हमारा राज्य छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे भी करके मानगढ़ से हटाया जाए। उसकी रिपोर्ट के आधार पे करीब कर्नल टंडन था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख आदिवासी इकट्ठी होने की संभावना व्यक्त की थी, उसी को लेके ये मेवाड़ बिलकोर और यहाँ सतरामपुर की रियासत के जो रेजिडेंस के थे
उन्होंने मानगढ़ पे 16 नवंबर को उन्होंने 6:15 पे फौजें चढ़ाई और फौजें चढ़ाने के बाद समझौता के लिए गोविंदगिरी के पास गए, जिसमें कलजी पूंजा पारगी, इसके बाद थावरा जी, ये कुरिया सुराता के थे। 5 जो मुख्य आदमी थे इनसे वार्ता हुई, वार्ता विफल होने के बाद इनको गोलियां चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत 1500 आदिवासी मारे गए और कुछ घायल हुए। इनकी साबरमती जेल में सजा हुई, लेकिन तथ्य जो थे, किस आधार पे गोली चली, किस आधार पे इनको मारा, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलने के खातिर छोड़ दिए गए और दीरा पूंजा और गुरु गोविंद को उसमें जेल हुई। जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका आचरण ठीक था, उस वजह से गुरु गोविंद का आचरण ठीक होने के कारण इनको छोड़ दिया गया और आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ये मानगढ़ का इतिहास है। आप यहाँ पे ये सम्मेलन लेके आप समाज को, तमाम आदिवासी समाज को, इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आदिवासी, हम 4 राज्यों के इकट्ठे हुए हैं मानगढ़ पे और शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ हमारे ऐसे राजा हुए हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उनके भी जीवनी के बारे में, इतिहास के बारे में खोज की जाए और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन के रूप में ये इतिहास मिले, ऐसी में कामना के लिए शहीद स्थल पे 19वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजित किया गया है, ताकि संदेश जाए नई पीढ़ी को, तो अपने इतिहास को कायम रखने के लिए वो भरपूर कोशिश करें। नई पीढ़ी को चेतना देने के लिए, हमारे वीर पुरुषों का इतिहास उजागर करने के लिए जानबूझ के आपने यहाँ पे ये ऐतिहासिक वीर भूमि मानगढ़ के यहाँ आपने ये सम्मेलन लिया और वो 100% उसको आप सक्सेस किया। और ये बात उभर के निकली है कि जो भी महाराष्ट्र या गुजरात, मध्य प्रदेश से जो भी युवा आए थे, उनकी बात, उनकी रिएक्शन यही थी, हम अभी यहाँ से जाके ये मानगढ़ के इतिहास को हमारे राज्य में, हमारे गांव-गांव तक फैलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे वादा करके गए हैं। और आपने ये इतिहास के बारे में आपने जो जानकारी दी है, आपने जो नव पीढ़ी के लिए जो डिटेल दिया है, उसके बारे में आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साहब। करने का मेरा मकसद ये ही था, अभी हम लोग अभी यहाँ से भी ये मंच पर से भी बोले हमारे
रामदयाल जी मुंडा और रामदयाल जी मुंडा झारखंड के, वीर सिंह जी पाड़वी महाराष्ट्र, नरसिंह जी खरड़े और इस आंदोलन के जो जो भी शहीद हुए आज वो नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम 2 मिनट शांतता रखे, खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। मामगढ़ पे धाम पे हुआ है और यहाँ अध्यक्ष जी और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री सम्मान्य मालविया जी मामगढ़ के धाम पे जब आदिवासी को, हजारों आदिवासी को भून दिया गया था, इतिहास को दबा दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं तो यहाँ पे सब भक्तगण, आदिवासी समाज के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ पे हमारे चारों राज्य के आए सभी जनप्रतिनिधि, उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि इस मानगढ़ को एक ऐतिहासिक और बलिदान की भूमि के रूप में इसके नक्शे पे लाया जाए। दूसरी बात है, जो आदिवासी की बात होती है, हमारे नेता चुन के जाते हैं, कोई विधायक के रूप में, कोई मंत्री के रूप में, कोई एमपी के रूप में, पर आदिवासी की बात कभी मंच पे नहीं करते हैं। इसे मैं कहना चाहती हूँ, दिल्ली की सरकार हो और राज्य की सरकार हो, आदिवासी के लिए हक की लड़ाई की बात करें। और अभी भी जो आदिवासी को 25 साल से जो जंगल में रहते हैं, उनको आदिवासी को पट्टे दे दिए, पर अभी भी आदिवासी भटकते हैं। इसे मैं आह्वान करना चाहती हूँ, आज मैं आपकी बेटी हूँ, आदिवासी समाज की हूँ और आदिवासी की बात करती हूँ, राजनीतिक से हटके मैं बात करना चाहती हूँ। और आप सब यहाँ पे आए, आपको कोई परेशानी भी होगी क्योंकि ये जंगल है, जंगल में रहने वाले आदिवासी है, इसलिए परेशानी होगी, इसलिए अपने भाई है, घर है, समाज के उसको माफ करना। हमने पूरी व्यवस्था की है, सभी टीम ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधि ने और सभी पार्टी ने मिलकर इस व्यवस्था की है। और पुनः मैं आप सभी का, सभी राज्य से आए जनप्रतिनिधि का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदिवासी एकता सांस्कृतिक
महासम्मेलन के अध्यक्ष माननीय शंकर जी तलावड़ा, इस महासम्मेलन के लिए उपस्थित मान्यवर मंत्री महोदय, सांसद जी और जो मान्यवर है चारों राज्य से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इन राज्यों से बाहर जो हमारे भाई इस महासम्मेलन में सहभागी हुए, हम ये कहते हैं ये भूमि के हम भूमि पुत्र हैं। इस देश के हम भूमि पुत्र है, मूल निवासी है। जब यह पृथ्वी का जन्म हुआ तब से हम हैं। जब हम आदिवासी थे तब इंसान थे, हम किसी से भेदभाव नहीं करते थे। हम जंगल में रहते थे। जंगल में रहने का मतलब क्या है? हम प्रकृति के साथ अपना जीवन बिताते हैं, तो जंगल के जीवन मूल्य, प्रकृति के जीवन मूल्य नियम के अनुसार हम जीते हैं। यह प्रकृति कौन से नियम से जीते हैं? यह प्रकृति के नियम समानता है, यह प्रकृति के नियम मानवता है, यह मूल्य के आधार पर हम जी रहे हैं। लेकिन जो जीवन मूल्य है वो हम देखना चाहिए। हमको जीने के लिए ये लड़ाई करनी पड़ी। हमको जीने के लिए मानगढ़ की लड़ाई करना पड़ी है। हमको जीने के लिए आंबा पानी की लड़ाई करना पड़ा है। हमको जीने के लिए टंट्या भील को फांसी जबलपुर के जेल में जाना पड़ा है। जीने के लिए ख्वाजा नाइक उसको 8 दिन नीम के पेड़ को उसका सर टंग कर रखा था। इतना बलिदान देने के बाद भी इतिहास के पन्ने पर कहीं भी हमारा नाम नहीं। 1942 में महात्मा गांधी अंग्रेजों चले जाओ ऐसा नारा दिया। लोकमान्य तिलक ने कहा स्वातंत्र्य हे माझे जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि मी ते मिळवणारच। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। ये सब लड़ रहे थे तो आदिवासी क्या घोटिया कर रहे थे क्या? वो भी लड़ रहे थे। आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, विकास, विज्ञान, इस मुद्दों को मध्य रजत रखते हुए आदिवासी एकता परिषद का गठन किया है। और यह गठन में हम किसी भी धर्म को भेद नहीं करते हैं। इस समय मुझे आदिवासी एकता परिषद का जन्म किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, इसके कहने के लिए कहने के जो समय दिया इसलिए मैं आभार मानता हूं और मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। जगत सिंह जी वसावा साहब को विनती करता हूं वो स्टेज पे आए। खूब खूब अभिनंदन। इसके बाद जयसिंह पावरा ने एक और सख्त मेहनत करके आदिवासी वीर नाम की पुस्तक तैयार की है और खास करके उनका कहना था कि आदिवासी वीर नाम की पुस्तक अगर तैयार है तो उसको हम किसी वीर के हाथों से ही उसका वो विमोचन करें। पर दसरी दादी आज आए नहीं है, यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए तो उनके सुपुत्र बेटे और एकता परिषद के महासचिव श्री अशोक भाई चौधरी को मैं विनती करता हूँ कि वो उस किताब को खुली करें।